हे भगवान जी, मेरे पापा को प्रेस मारने सिखा दीजिए प्लीज भगवान, प्लीज प्लीज भगवान जी। आ जा बेटा, चले। अरे वाह, चल चलो पापा। पापा। हाँ हाँ बेटा, वो वाली मैडम बहुत अच्छा मैथ पढ़ाती है। वो वाली मैम यूट्यूब में पढ़ाती है बहुत अच्छा। अच्छा पापा, पापा उनसे जोड़ने घटाना सीख लूँ ना। उनसे? हाँ। वो कुछ सिखाएंगी? हाँ। अरे यार, तू कैसे कैसे काम करवा रहा है मुझसे। पापा प्लीज। चलो ठीक है, चलते हैं। मैडम, मेरा बच्चा चाहता है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पढ़ा दे थोड़ा सा, ताकि मैं मैथ्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। आपको या आपके बच्चे को? मैडम मुझे। आपको? हाँ मैम, एक्चुअली क्या है ना मैम, मुझे ना बचपन में मैंने मैथ्स बहुत रटी है, तो मैं चाहता हूँ ना, क्योंकि मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं अपने रियल लाइफ में, मैं और मेरा बेटा चाहते हैं कि आप मुझे सिखा दें। सर बच्चे का तो ठीक है सर, मैं आपको कैसे सर? मैम देखिए, सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती ना। हाँ तू कुछ कहना मैडम। नहीं सर, सर आपका तो ठीक था। अरे बच्चा क्या कर रहे हो बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। मैम मेरे पापा को मैथ सिखा दीजिए प्लीज 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 मैम। बेटा बेटा आपके पापा बहुत बड़े हैं बेटा, अरे उनको जोड़ना घटाना नहीं आता है मैम। अच्छा चलो ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो तो चलो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन आपको जल्दी सीखना पड़ेगा। मैम मैं ज़्यादा टाइम नहीं है। मैम मैं एक दिन में सीख लूँगा। अच्छा चलो ठीक है, कोशिश करती हूँ मैं। अगर आपको जोड़ना घटाना नहीं आता है ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है नंबर लाइन बना लो, बहुत आसानी से सीख जाओगे, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। वैसे आपका नाम क्या है? मैम रट्टू सिंह। रट्टू सिंह नाम है आपका? आपने खुद ही रखा है या माँ बाप ने रख दिया? मैं बहुत अच्छा रटता था ना, तो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम बदल के रट्टू सिंह रख दिया। अच्छा देखो रट्टू सिंह, मैथ्स में जोड़ना घटाना सीखना है, सबसे अच्छा आसान तरीका है नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन? मैम ये क्या होता है? एक सीधी रेखा होती है, इसे बनाना होता है। रट्टू सिंह ये मैंने सीधी रेखा खींच ली है, इसको कहते हैं नंबर लाइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे जीरो। ठीक है, और जीरो से आगे हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। रट्टू सिंह काउंटिंग आती है नहीं आती है? मैम वो रटी हुई है मेरे। तो बेटा बस इसको यहाँ पे लिख देना है, 1 2 3 4 जीरो के आगे। हाँ हाँ। 5 6 बेटा सुनाओ, काउंटिंग सुनाओ। 8 गुड। 9 10 वेरी गुड। रट्टू सिंह 1 से 10 इधर लिखा है। अब हम इधर लिखेंगे। अच्छा इधर लिखेंगे माइनस में 1 2 3। अच्छा, जैसा रटा हुआ है वैसे ही लिखना है। ठीक है, पर किसके साथ लिखेंगे? माइनस साइन के साथ। माइनस साइन। ठीक है ठीक है। माइनस 1 रट्टू सिंह बोलो। माइनस 2 वेरी गुड। माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 10 वेरी गुड रट्टू सिंह। तो रट्टू सिंह की नंबर लाइन मैंने बना दी है, और इसी से फटाफट से आप सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जल्दी से सीख जाऊंगा, बहुत जल्दी, बहुत आसानी से सीखने वाले हो रट्टू सिंह। तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे आ जाइए। रट्टू सिंह नंबर लाइन बन गई? हाँ मैम बन गई। जीरो पे पहुँचो। जीरो पे? हाँ ये है मैम। प्लस 5 करो। जीरो में प्लस 5? हाँ। आगे काउंट करो, 1 2 3 4 5 गुड वेरी गुड। अब माइनस 3 करना है। माइनस 3 मतलब 5 से 3 कदम पीछे। 1 2 3 कितना आया रट्टू सिंह? 2 2। अब फिर से करो माइनस 2। माइनस 2 1 1 2 जीरो। जीरो वेरी गुड। माइनस 2 माइनस 2 कदम पीछे। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 वेरी गुड। 5 कदम आगे। 1 2 3 4 5 प्लस का 3 वेरी गुड रट्टू सिंह, बहुत अच्छा कर रहे हो। प्लस 10 जीरो से प्लस 10 10 यहाँ। माइनस 5। अच्छा अब मुझे समझ में आया, यानी कि 10 से 5 कदम पीछे, यानी कि 1 2 3 4 5 माइनस प्लस का 5 वेरी गुड रट्टू सिंह। अगेन माइनस 5 1 2 3 4 5 जीरो। रट्टू सिंह समझ में आया प्लस माइनस कैसे करते हैं? मैम सही बताऊं तो मैम आज समझ में आया मुझे। मैम मुझे नहीं पता था इस नंबर लाइन, ये मैजिक नंबर लाइन है, मुझे नहीं पता था इससे इतना सिंपल हो जाता है कि कल आगे और पीछे करने से ही आंसर आ जाएगा। तो रट्टू सिंह आपका एग्जाम लिया जाए? हाँ हाँ मैम लीजिए। तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, वो भी रियल लाइफ से एकदम। हाँ हाँ मैम। ठीक है तो चलो करते हैं। ठीक है मैम। भैया जलेबी क्या रेट है? 120 रुपए की 1 किलो। अच्छा तो 250 ग्राम दे देना। रट्टू सिंह ये लो जलेबी खाओ। अरे वाह जलेबी लो।
बेटा खाओ जलेबी खाओ। आपने कहा था ना पापा को प्लस माइनस सिखा दो, चलो पापा को सिखाया ना नंबर लाइन से प्लस माइनस कैसे करना है। तो रट्टू सिंह आपको बता रहे जलेबी कितने रुपए की आई है, ठीक है? 50 प्लस 40 प्लस 40 माइनस 60 माइनस 60 यानी 90 माइनस 60 30। वेरी गुड रट्टू सिंह, तो ये जलेबी 30 रुपीज की आई है। अब समझ में आ गया मैडम मुझे, हाँ मुझे समझ में आ गया। अब भैया समोसे क्या रेट दे रहे हैं? एक समोसा 7 रुपए का है, ठीक है। रट्टू सिंह समोसा खाओगे? हाँ मैम खाऊंगा। लो रट्टू सिंह समोसा खाओ, जलेबी मुझे दे दो। अब बताओ रट्टू सिंह ये समोसा कितने रुपए का है? 10 प्लस 20 माइनस 23 यानी 10 प्लस 20 यानी 30 माइनस 23 यानी कि 7 रुपए। वेरी गुड रट्टू सिंह, तो प्लस माइनस आ गया। तुमने दोनों क्वेश्चन के एकदम करेक्ट आंसर दिए। अब तो ऐसा लग रहा है समोसे का टेस्ट और बढ़ गया है। पापा आपको जोड़ना घटाना आ गया? हाँ हाँ, देखो हमने 7 रुपए का समोसा खाया और 30 रुपए की जलेबी, टोटल हुआ 37 रुपीज। और मेरे पास है 40। अब मैं इसे दूंगा दुकानदार को और बाकी रुपए जो बचे वो कितने हुए? 3 रुपए। हाँ देखा, एकदम सही कैलकुलेशन किया, 3 रुपए बचे। इसका अलावा मुझे जोड़ना घटाना आ गया। थैंक यू कोमल मैम। इसी तरह के इंटरेक्टिव वीडियो के साथ अगर आप चाहते हैं अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना, तो आज ही यहाँ लर्निंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।